कानपुर में 2017 में नगर निगम चुनाव हुए, जिसमें सभी प्रतिनिधियों ने साफ सफाई, कानपुर में कूड़ा घर बनवाने की बात की थी। आज पूरे 3 साल हो जाने के बाद भी शहर को कूड़ा घर नहीं मिला, उल्टा सड़कें कूड़े घर में तब्दील हो गई हैं। शहर में लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत गंभीर असर पड़ रहा है। नमक फैक्ट्री चौराहे से छापेड़ा चौराहे जाने वाले रोड पर कूड़ा है, जो कि पूरी तरह से सड़क को ढक रखा है। इस सड़क से हर रोज 20,000 लोग गुजरते हैं, जिससे हर वक्त जाम जैसी स्थिति पनपती रहती है। 2017 में कानपुर में नगर निगम चुनाव हुए थे, जिसके बाद सभी प्रत्याशियों ने कूड़ा घर बनाने की बात कही थी। आज पूरे 3 साल हो चुके हैं, लेकिन कूड़ा घर का नामो निशान नहीं है कानपुर शहर में। आप देख सकते हैं रोड पे किस तरह से, इस रोड से हर रोज़ कम से कम 50,000 लोग सफ़र करते हैं, लेकिन आज आलम यह है कि आधी रोड को कूड़े से कवर कर लिया गया है। नगर निगम के कर्मचारी आते हैं रोड पे, उस कूड़े को फैला देते हैं, जिसके बाद सरकारें देख सकते हैं आप लोगों ने इसको किस तरह से अपना कूड़ा उठाने वाले उसको अपना घर बना रखा है। कूड़ा घर उठाने वाले लोगों ने आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी बदबू का एहसास होगा, लोग अपना मुंह बनाते हुए मुंह ढकते हुए निकलते हैं, लेकिन आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने इसकी तरफ नहीं देखा। आप देख सकते हैं जाम लगता है इस कूड़े की वजह से। यहाँ तक कि जब ये रोड का निर्माण हो रहा था तो इसको इस गड्ढे को भरा तक ही नहीं गया। इस रोड को सीधी रोड जाना था, सीधी रोड पास होना था, बट उसके बाद भी पास नहीं हुआ। आप देख सकते हैं किस तरह से जाम लग रहा है, ये देखिए आप कूड़ा, मानिए कूड़ा घर, ये देखिए गेस्ट हाउस है, ये देखिए आप जाम तो आप देख ही रहे होंगे। इस कूड़े घर के नज़ारे आप पास से देखने लगेंगे, कूड़ा किस तरह से, आप देखिए कूड़ा घर, ये मेन रोड है नव फैक्ट्री चौराहे से छकड़ा पुलिया जाने की ओर। इस रोड को आप देख सकते हैं, रोड बनी है लेकिन गड्ढा किस तरह से, देखिए बैठे बच्चे, ये देखिए आप, ये देखिए नगर निगम की गाड़ी खड़ी, स्मार्ट सिटी लिमिटेड का ट्रक भी खड़ा है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे आप व्यवस्थाएं देख ही रहते हैं।